सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं सदफ जाफरी। इस वीडियो में लेकर आई हूं मीशो से कुछ कुर्ता सेट जो कि आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो ये मैंने ऑर्डर किया है, ये है एक चिकनकारी कुर्ता सेट। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये मिला है। 550 इससे अंडर ही ये रिसीव हुआ है। कुर्ता और प्लाजो मिल जाता है इसमें। ऑफ वाइट शेड में जो है ये कुर्ता सेट है, चिकनकारी का कुर्ता सेट है। सबसे पहले आप देखें इसका प्लाजो। तो ये रहा जिसका प्लाजो। वेस्ट में इसमें इलास्टिक दी गई है। बाकी आप इसके चिकनकारी का वर्क देखें, वाओ, बहुत ही प्यारा सा इसका वर्क है। और इसका बॉर्डर देखें प्लाजो का, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी इसमें जो है ना वर्क किया गया है चिकनकारी का। थोड़ा बहुत सीक्वेंस का वर्क भी किया गया है ताकि आपको थोड़ा सा ये शाइनी लग सके। बाकी ओवरऑल एक मतलब अच्छा पीस है, आप इससे जा सकते हो। इसके बाद देखें इसका कुर्ता। कुर्ता भी जो है ऑफ वाइट शेड में मिला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी, ये है इसका कुर्ता। यहाँ से इसका नेक है और इसकी भी डिटेलिंग सेम जो है वैसे ही की गई है जैसे कि इसके बॉटम पर दी गई थी। ये देखें वैसा ही सेम वर्क किया गया है इस पर। अब देखें इसका दामन। दामन पे जो है वही सेम जो है हैवी एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है। बाकी इसमें जो है इनर प्रोवाइडेड नहीं है, थोड़ा सा आपको चुभ सकता है। अगर इनर होती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बैक साइड से देख सकते हैं बिल्कुल सेम जो है वही सेम पैटर्न दिया गया है जैसा फ्रंट साइड का था। इसके बाद आप देखें इसके स्लीव्स। स्लीव्स 3/4 मिल जाएंगे और स्लीव्स पे भी हैवी चिकनकारी का वर्क किया गया है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। अगर आप लेना चाहें तो आप ज़रूर इसे चेकआउट करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये चिकनकारी कुर्ता कैसा लगा। इसके बाद जो सेकंड मैंने ऑर्डर किया है वो है एक ब्लैक कुर्ता सेट। ये रहा, ये है ये कुर्ता सेट। ये भी अंडर जो है 500 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें भी कुर्ता और प्लाजो दिया गया है। रेयन फैब्रिक में इसका जो है बॉटम का फैब्रिक दिया गया है। तो ये देखें, ये आ जाता है इसका प्लाजो। डार्क ब्लैक शेड में मिला है ये। तो ये देखें, सबसे पहले आप इसके बॉर्डर पर देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी अच्छी सी की गई है। वाइट कलर में जो है इसकी मशीन एम्ब्रॉयडरी की गई है। लुक इसको काफ़ी अच्छा सा देती है। वेस्ट में इलास्टिक मिल जाएगी आपको और काफ़ी ज़्यादा लूज़ जो है ये प्लाजो है, तो आपको कंफर्टेबल होगा वेयर करने में। रेयन फैब्रिक वैसे भी समर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया जाता है पहनने के लिए। इसके बाद आप देखें इसका कुर्ता। कुर्ता भी जो है हाईली एम्ब्रॉयडर्ड है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी इसका कुर्ता, वाओ। आगे से नेक की डिटेलिंग, बटन से डिटेलिंग की गई है और सेम जो है वही एम्ब्रॉयडरी वाइट कलर से की गई है। मशीन एम्ब्रॉयडरी है ये। तो ये देखें, बाकी पूरा ही कुर्ता जो है प्लेन मिल जाता है। रेयन इसका भी फैब्रिक है और क्वालिटी वाइज सुपर्ब है। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आप आराम से इसे ले सकते हैं। अब 3/4 इसके स्लीव्स आ जाते हैं। स्लीव्स के बॉर्डर पर भी देख सकते हैं सेम एम्ब्रॉयडरी से डिटेलिंग की गई है। ओवरऑल मुझे ये कुर्ता सेट काफ़ी पसंद आया। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा। तो अगर आप रेगुलर वेयर के लिए आप कुछ देख रहे हैं तो इस साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद देखें जो मैंने लास्ट ही ऑर्डर किया था, ये है एक पाकिस्तानी लॉन कॉटन सूट। रेप्लिका सूट है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या आया है इसमें। लेट मी ओपन दिस। ये देखें, वाओ, कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें जी, ये है इसकी मॉडल पिक्चर। देखते हैं कि कैसा आया है, मॉडल पिक्चर की तरह का आया है कि नहीं। ये है बॉटल ग्रीन कलर में जो है ये जो है सूट दिया गया है। मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या आया है। सबसे पहले ये वाला जो फैब्रिक है, ये इसके बॉटम का फैब्रिक दिया गया है। लॉन कॉटन में जो है इसका फैब्रिक दिया गया है और साथ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और कॉटन है, तो आपको समर्स के लिए कंफर्टेबल रहेगा वेयर करने में। बाकी बॉटल ग्रीन शेड है इसका भी। इसके बाद इसमें एक और फैब्रिक दिया गया है, ये वाला। ये फैब्रिक जो है आपके जो ड्रेस है इसके बैक साइड पे लग जाएगा, मतलब बैक साइड का पल्लू जो है इससे बन जाएगा। ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया गया है, सेम जो है लॉन कॉटन में ही दिया गया है। देख सकते हैं सेम बॉटल ग्रीन शेड में जो है इसके बैक साइड का मिल जाता है, प्लेन है बिल्कुल। तो अब देख सकते हैं इसकी फ्रंट साइड में जो दिया गया है, मेन इसका फ्रंट साइड ही है जो कि हाईली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखें, ये है इसके फ्रंट साइड का पार्ट, वाओ, बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ से इसका नेक पोर्शन बन जाएगा और
एम्ब्रॉयडरी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई है, सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बहुत की गई है। और ये देखें फ्रंट इसका पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएगा, ये है इसके फ्रंट का पार्ट। ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी प्यारा है और कलर वाइज भी मुझे काफ़ी पसंद आया ये, और इसी से आपके स्लीव्स भी निकल जाएंगी यहाँ से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो है थोड़े बहुत पैचेस भी दिए गए हैं, ये इसके पैचेस हैं। ये वाला जो फर्स्ट पैच है ये शायद आपके इसके स्लीव्स पर लग जाएगा, आप जो है इसकी कैटलॉग पिक्चर से देख के जो है लगवा सकते हैं। थोड़ा सा इसको सेमी पार्टी वियर बनाने के लिए जो है इन्होंने ये पैचेस दिए गए हैं, ये इसके दामन के बॉर्डर पर लग जाएगा और लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखें इस पर भी दामन पर और साथ में स्लीव्स पर लग जाएगा, दिखाया है वैसा ही दिया गया है। ओवरऑल एक पार्टी वेयर लुक आ जाएगा जब आप ये पैचेस लगाएंगे। इसके बाद आता है इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो है शिफॉन फैब्रिक में दिया गया है, मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। प्रिंटेड दुपट्टा इसके साथ मिल जाता है, ये देखें ये है इसका दुपट्टा। देख सकते हैं वेयर करके कैसा लगता है इस दुपट्टे का कॉम्बो। ओवरऑल दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, प्रिंटेड दुपट्टा है तो आपको आराम से इसे कैरी कर सकते हैं। सेम पीकॉक ग्रीन शेड में जो है दुपट्टा इसका दिया गया है और साथ में इसके प्रिंट भी दिया गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बाकी सभी ड्रेसेस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं आप वहाँ से। कीप सपोर्टिंग बाय लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।